आगच्छन्तु विद्यार्थिनः अस्माकं व्याकरणं पठामः। और व्याकरण का जो हमारा विषय था संधि, और संधि में हमने स्वर संधि की हम चर्चा कर रहे थे बच्चों, और स्वर संधि के हम छह भागों का अध्ययन कर चुके हैं। छह भागों में पिछले भाग में हमने अयादि संधि, उससे पिछले भाग में हमने यण संधि की चर्चा की थी, और अब हम पूर्व रूप संधि की चर्चा करेंगे बच्चों। पूर्व रूप संधि क्या होती है, यानी दो रूप मिलकर एक हो जाते हैं, उन्हीं को हम देखेंगे बच्चों। तो पूर्व रूप संधि कह रही है कि एंग पदांतात अति, एंग पदांतात अति, एंग पदांतात अति, यानी पदांतात एंगो अति परे पूर्व रूपम एकादेश सात, यानी पदांत, पदांत जानते हो, यानी पद के अंत में, पद के अंत में पदांत क्या होता है देखो, और पद क्या होता है बच्चों, पद होता है शुभ तिगंतम पदम, शुप तिगंतम पदम। मैं इसको समझा देता हूं बच्चों, पद क्या होता है, पद होता है शुप तिगंतम पदम, शुभ तिंगंतम पदम, यानी शुभ जिसके अंत में होता है और तिंग जिसके अंत में होता है वो क्या कहलाता है, पदांत कहलाता है। अर्थात शुभ का मतलब विभक्ति से युक्त होना चाहिए और तिंग मतलब धातु रूप से युक्त होना चाहिए। शुभ जानते होंगे बच्चों, शुभ प्रत्यय शु अव जस अम और सष्टाभ्यम विस गिभ्यम व्यस गसिभ्यम व्यस गशोसाम गियो शुभ, उसी प्रकार से तिंग होते हैं तिप्त जी सिप्त मिप वशमस तयाताम झ था साथम द्वम इड़ वही महिंग, ये क्या होते हैं, तिंग होते हैं प्यारे बच्चों। और जो सुप और तिंग से युक्त होता है वही क्या कहलाता है, पद कहलाता है प्यारे बच्चों। और उसी पदांत की हम चर्चा कर रहे हैं, यानी पद के अंत में ऐसी विभक्ति से युक्त हो या धातु रूप से युक्त हो, क्या ए या ओ हो के बाद में यदि ए के रहने पर क्या हो जाता है, पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो यह संधि एचो अयवायावय अर्थात अयादि संधि का अपवाद है, लेकिन उसमें पदांत की कोई शर्त नहीं थी, लेकिन इसमें क्या है, पदांत, पदांत ए हो और पदांत ओ हो और इन दोनों के बाद में क्या हो, ए या ए, ए के बाद में ए हो तो ऐसे हो जाता है देखो अवग्रह। ए का क्या हो जाता है, अवग्रह। ओ का क्या हो जाता है, ओ और ये अवग्रह यानी ए होता है उच्चारण। आइए एक साथ देख लेते हैं इसको, हरे प्लस अव। अब बच्चों इसमें क्या है, हरे, हरे में जो हर शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ये देखो इसमें विभक्ति आएगी, ये सप्तमी का है, ये भी सप्तमी का है, मुरारे है बच्चों ये, और एदते है, ये भी देखो पद, ये तिंग है अर्थात धातु रूप है। तो पदांत के बाद में क्या है, पदांत ए होना चाहिए या पदांत ओ होना चाहिए। अब यहां बच्चों है रे, अब पदांत ये हो गया और इस के कारण यहां इसका क्या हो जाएगा, हरे औ। उसी प्रकार से वने, वने क्या है, पदांत है यानी सप्तमी व्यक्ति है, और इसमें तो वने ए का क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना, इस ए का ही करना है जो कुछ करना है, जब पदांत हो तो ये अवग्रह करना है बस, ग्रहे यहां सप्तमी है, ग्रहे और अश्मी ये हो गया देखो ग्रहेश्मी। उसी प्रकार से मुरारे औ, मुरारे औ। उसी प्रकार से एदते अयम, एदते अयम, तो इनको एक साथ देख लेते हैं, हरे औ हो गया बच्चों देखो, वने प्लस अटती वने अटती, ग्रहे प्लस अस्मि ग्रहेश्मि, मुरारे प्लस औ मुरारे औ, और एदते अयम का क्या बनेगा, एदते अयम। तो इस प्रकार से बच्चों ग्रामे प्लस अस्मिन, यहां भी सप्तमी विभक्ति है ना, तो इसका क्या बन जाएगा, ग्रामे। कुछ नहीं है ये संधि, बहुत सरल संधि है, लेकिन ये शर्त है इसमें केवल पदांत ही होना चाहिए ये हो। और अब देखो ओ वाले हैं तो विष्णु प्लस औ, और विष्णु में क्या है, ये भी पदांत है और इस कारण विष्णु औ विभक्ति से युक्त है। को, अब को अस्ति देखो, बहुत बार देखा आपने ऐसा उदाहरण को अस्ति, उसी प्रकार से कोपी, आप करते हो कोडपी कोडपी, ये है कोपी, क्या है कोपी। उसी प्रकार से निर्धनोपी, निर्धनो अपि। तो बच्चों देखो ग्रामे प्लस अस्मिन ग्रामेश्मिन हो गया, विष्णु प्लस अव का विष्णु हो गया, को अस्ति हो गया को प्लस अस्ति का, को प्लस अपि का कोपि हो गया, निर्धनो अपि निर्धनो अपि का निर्धनो अपि हुआ। आइए आगे देखते हैं, शादो प्लस अपे ही, शादो प्लस
अपे ही का ये हो गया, देखो अपे ही शादो प्लस अपे ही। उसी प्रकार से रवे औ, रवे औ। तो बच्चों इसको एक साथ है कि शादो प्लस अपी, शादो अपे ही। उसी प्रकार से रवे प्लस औ, रवे औ। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये पूर्व रूप संधि यहीं पर पूर्ण होती है। बहुत छोटी संधि थी, इसके बारे में हमने अच्छे से जाना। यानी शब्द क्या है कि पदांत ए होना चाहिए, पदांत या पदांत, पदांत ए या ओ होना चाहिए। उसके बाद में यदि ए है तो इस ए का ये हो जाता है, बस कुछ नहीं करना। इस संधि में पदांत होना चाहिए, शुभ और तिंग से युक्त होना चाहिए, और इस ए का ये हो जाता है। ये भी इसी का उच्चारण भी ए ही होता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी ये संधि यहीं पर पूर्ण होती है। और ये आशा करता हूँ ये संधि बहुत अच्छे से आपके समझ में आई होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ हम पररूप संधि के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, पुनर्मिलामः, नमो नमः।